तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग। पीएम मोदी ने जनसभा में ट्रिपल तलाक पर जोरदार बयान दे डाला। पीएम मोदी के बयान के बाद से कट्टरपंथी और धार्मिक विचारधारा की राजनीति करने वाले गुटों में आग लग चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, हमें विरोधी कहने वाले असल में खुद ही मुस्लिम विरोधी हैं। दरअसल पीएम मोदी भोपाल में बूथ समारोह में अपना भाषण दे रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। उसी दौरान उत्तर प्रदेश की एक महिला कार्यकर्ता ने पीएम मोदी से ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल पूछा कि विपक्ष मुस्लिमों को यूसीसी और ट्रिपल तलाक के मुद्दों पर भ्रमित कर रही है, जिसके बाद पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। और पीएम मोदी के जवाब सुनने के बाद हर एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी को खड़े होकर सम्मान दिया। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बहरहाल पीएम मोदी ने कहा है कि अगर ट्रिपल तलाक इस्लाम के खिलाफ होता तो इस्लामिक देश खुद, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां तीन तलाक खत्म नहीं होता। पीएम ने अपने मिस्र दौरे की भी चर्चा की और कहा, मिस्र ने 80 साल पहले ही तीन तलाक को खत्म कर दिया। विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक से सिर्फ औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि एक परिवार की जिंदगी का भी नाश होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। धन्यवाद।